झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। करीब 12:15 बजे ईडी की टीम उन्हें पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची। जब आलमगीर आलम को कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था, तब उनके समर्थकों ने के नारे लगाए, जिसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने उन्हें नारेबाजी करने से रोका। बता दें कि आलमगीर आलम की रात ईडी दफ्तर में गुजरी। बुधवार की शाम ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 2 दिन के सवाल जवाब के बाद ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले ईडी ने मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार किया था। जहांगीर के घर से 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के यहाँ के स्टाफ के यहाँ से, उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा।